ये हमारे साथी हैं अजय निकम, अजय नारायण निकम जी। तो आप ट्रबल शूटिंग बताएंगे कि BLVMT क्लोज करने पर डीजे ट्रिप होता है, बताइए। सर, BLMT क्लोज करने पर अगर डीजे ट्रिप होता है, हाँ हाँ, तो वो HVRH, HVMT1, HVMT2, हाँ, को 3 पर रखेंगे, हाँ हाँ, और उस ब्लोअर का काम चेक करेंगे। अगर ब्लोअर काम कर रहे हैं तो फिर BLMT ओपन करके उनको बारी बारी से एक पर लाएंगे और तीनों का पता करेंगे कौन सी रिले खराब है। हाँ हाँ। और जो रिले खराब है उसको वापिस 3 पर रखेंगे, 3 पर रखकर बाकी 2 को नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। फिर जो जिसको आइसोलेट, जिस ब्लोअर का आइसोलेट किया है, रिले को आइसोलेट किया है, हाँ, उसका काम अपन हर 10-10 मिनट में चेक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और तीनों स्विच को 3 पे रखा, डीजे ट्रिप हो गया। तो तीनों स्विच को 3 पे रखा और डीजे ट्रिप हो गया तो क्यू यूनिट को वेच करेंगे और कार्य करेंगे और उसकी सावधानी रखेंगे। क्यू यूनिट की सावधानी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका नाम है जोधा सिंह गुर्जर। जोधा सिंह गुर्जर, कहाँ हेडक्वार्टर आपका? बांद्रा हेडक्वार्टर। बांद्रा, वेरी गुड। आप बताओ, देखें, LSCHB बुझने के बाद डीजे ट्रिप हो जाता है? LSCHB बुझने के बाद डीजे ट्रिप होता है, मतलब आरनो के साथ चलने वाले ऑब्जर्वर में कोई ट्रबल है, उसके लिए हम आरनो के साथ जो 2118 की ब्रांच पर दिक्कत आ रही है, वहाँ पर 3 ऑब्जर्वर के इंटरलॉक लगे उनकी रिले के, तो उसके लिए अपन HPH, HVSL1, HVSL2 को 3 पर रखेंगे और डीजे क्लोज करेंगे और तीनों ऑक्सिलरियों को जाके काम चेक करेंगे। यदि कोई ऑक्सिलरी चल नहीं रही है या कोई भी ट्रबल है उसमें, खराबी है, तो संबंधित आइसोलेटिंग स्विच द्वारा उसको आइसोलेट करेंगे और उससे संबंधित सावधानी का ध्यान रखेंगे। उसका काम हर 10-10 मिनट में जाके चेक करेंगे। हाँ। अब यदि हमारा डीजे मेंटेन रहता है तो खराबी वाली रेले का पता करेंगे, उसके लिए डीजे ओपन करेंगे और नॉर्मल HPH को नॉर्मल करेंगे, उसको जाके देखेंगे, उसमें अगर खराबी नहीं है तो उसके बाद HVSL को नॉर्मल करके देखेंगे। जिसकी भी रिले में खराबी निकलती है, जिसकी वजह से ट्रिपिंग आती है, उसको वापस लोस पर रख देंगे आइसोलेट पे, बाकी 2 को नॉर्मल कर देंगे और गाड़ी चलाएंगे। यदि फिर भी डीजे मेंटेन नहीं रहता है, तीनों स्विच को 3 पे रखा, डीजे मेंटेन नहीं रहा, तो HQCVR से ट्रबल हो सकती है, तो HQCVR को 0 पर रखेंगे और डीजे क्लोज करेंगे। उसके बाद भी अगर डीजे मेंटेन नहीं रहता है तो Q118 को बेस करेंगे और Q118 की बेसिंग से सावधानी और ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू।